हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोस्टेसी यानी कि भू संतुलन या समस्थितिकी के बारे में, और इसमें प्राट और एरी दो भूवैज्ञानिक हैं, उनकी संकल्पनाओं को देखेंगे और बोबी की संकल्पनाएं देखेंगे। ये पूरा जो वीडियो है आपका यूजीसी नेट और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की परीक्षाओं में, यहाँ तक कि व्याख्याता की परीक्षा में भी आपका ये सिलेबस में दिया गया है। ये आप देखेंगे इंटीरियर आपदार्थ, जब सिलेबस आप उसको देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसमें तो एक तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सुझाया गया है, लेकिन जस्ट आगे जब उसमें भू संतुलन की बात की जाएगी, उनके जो उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, उनके उच्चावच की बात की जाएगी कि आखिर वो संतुलित अवस्था में कैसे हैं, तब वहाँ पे बात आएगी भू संतुलन की। क्योंकि जो विभिन्न उच्चावच हैं, विभिन्न प्राकृतिक जैसे पर्वत, पठार, नदी, मैदान, सभी के जो घनत्व हैं वो अलग अलग हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कैसे, मतलब कि संतुलन की अवस्था में रहते हैं, जबकि उनका अगर ऐसे ही आप कोई भी दीवार या इस तरह से कुछ खड़ा करते हैं तो इसके नीचे जो न्यू आप डालते हैं, राइट, जब न्यू डालते हैं तो उसका एक बेस मिलता है उसे, इसलिए उसका ऊपर वाला पार्ट खड़ा रहता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है हिमालय की ऊंचाई जितनी ऊपर है उसके कम जो है नीचे नहीं है। इसलिए माना जाता है कि अगर हम लोग हिमालय की ऊंचाई के काउंट करें, ये तो धरातल के ऊपर काउंट करते हैं, अगर दोनों को मतलब उसके ओरिजिन से देखें तो बहुत सबसे ऊँचा जो है, वैसे भी धरातल का सबसे ऊंचा है, लेकिन यह और विस्तृत होगा फिर। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि आइसोस्टेसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने इस अवधारणा को जन्म दिया। और इस यहाँ से एक बात और जो पूछा जाता है कि भू संतुलन शब्द या आइसोस्टेसी किसके द्वारा दिया गया, जेम्स डटन के द्वारा ये शब्द दिया गया था। तो जो ये शब्द है लैटिन भाषा के आइसोस्टेसियस से लिया गया है, इसका अर्थ होता है कि इक्वल स्टैंडिंग यानी कि समान खड़ा होना। वैसे तो इसको ये माना जाता है कि जो पृथ्वी, इसका अभिप्राय परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी, उसके ऊपर जो उच्चावच हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों के मध्य भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा होती है। होम्स ने इसकी परिभाषा बताया कि जो भू संतुलन है वह संतुलन की वह दशा होती है जिसमें विस्तृत विशाल पर्वतमाला, पठार, मैदान के मध्य भूपटल पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे समस्थितिकी सिद्धांत के क्षेत्र में जो प्रेक्षण कार्य का आरंभ, सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, प्रेक्षण कार्य का जो आरंभ सबसे पहले 1735 में इंडीज पर्वतों में सर्वेक्षण के दौरान पियरे बाफर द्वारा हुआ था। इसके बाद 1859 में हिमालय पर्वत की तलहटी में सर्वे कर रहे थे, कौन, सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण संबंधी कुछ विसंगतियां पाई गई। किंतु समस्थितिकी जो शब्द है इसको सबसे पहले डटन महोदय ने 1889 में दिया, ये भी याद रखिएगा। और वास्तविक रूप से अगर हम बात करें भू संतुलन की तो 1859 में प्राट महोदय ने भारत में गंगा और सिंध मैदानों के अक्षांशों के निर्धारण के लिए भूगणितीय सर्वेक्षण किया था। उसी दौरान उन्होंने कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों पर त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधियों का भी, खगोलीय विधियों द्वारा माप लेने पर अलग अलग उन्होंने इसका मापन पाया, उसके बीच अंतर पाया। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज जो उन्होंने दो स्थानों कल्याण और कल्याणपुर के स्थानों पर पहला त्रिभुजीकरण वाला जो माप पाया 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकेंड, खगोली विधि द्वारा 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकेंड, तो अंतर कितना रहा है 5 मिनट 236 सेकेंड का। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भू संतुलन के बारे में अनेक मतों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें जो प्रमुख मत है सबसे पहला आपका प्राट की संकल्पना है। प्राट ने अध्ययन के उपरांत इस संकल्पना का प्रतिपादन किया, उन्होंने बताया कि पर्वत, पठार, मैदान आदि के घनत्व समान नहीं है, पर्वतों का घनत्व कम, मैदानों का घनत्व अधिक, यानी कि जो
पृथ्वी जो उच्चावच पृथ्वी पर अधिक ऊंचाई पर है उसके घनत्व कम, और जो कम ऊंचाई पर है उसके घनत्व अधिक है, ये प्राट का मानना था। ये भूखंड अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैर रहे हैं, यानी कि ये जो आपका भूखंड है पठार पर्वत मैदान, ये आपका सीमा पर तैर रहा है क्योंकि इसका घनत्व सीमा का अधिक है, इसका घनत्व कम है। उन्होंने बताया कि ऊंचे भूखंडों का घनत्व कम, नीचे भूखंड यानी गंगा के मैदान का घनत्व अधिक होता है। उन्होंने अपनी संकल्पना को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बर्तन में पारा भरकर उस पर विभिन्न घनत्व परंतु समान भार वाले अनेक धातुओं के टुकड़े तैराए, यानी कि उन्होंने बर्तन में पारे भरकर अलग अलग घनत्व के, भार तो समान था, जैसे कि जो भी टुकड़े उन्होंने पारे में डाले उनका भार जो है समान था लेकिन उनकी डेंसिटी अलग थी। तो अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो डी बराबर डी इज इक्वल टू एम अपान बी होता है, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर आपका भार निकालना है यहाँ पे तो द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन से अगर द्रव्यमान में भाग दे रहा है तो इसे घनत्व आपका निकल जाएगा। तो भार समान रहा है लेकिन घनत्व अलग अलग रहा था। इन टुकड़ों पर का पारे में जो प्रवेश हुआ तो समान गहराई पर प्रवेश था लेकिन ऊंचाइयां इसकी अलग अलग थीं। जस्ते का जो अपेक्षित घनत्व था वो आपका 7.1 व प्लेटिनम का जो घनत्व था वह 21.50 था, जो जस्ते के टुकड़े का 3 गुना था, यानी कि जस्ते का 7.1 प्लेटिनम का 21 था, लगभग 3 गुना था। यह टुकड़ा प्लेटिनम के टुकड़े की तुलना में 3 गुना बाहर निकला था, यानी कि जो जस्ता का टुकड़ा है यह प्लेटिनम की अपेक्षा 3 गुना अधिक ऊंचाई पर निकला था क्योंकि ये इसका घनत्व जो है कम था और प्लेटिनम का घनत्व अधिक था, इसलिए वह इस कम गहराई पर यानी कि ऊंचाई उसकी कम निकली थी ऊपर। अतः यह टुकड़ा प्लेटिनम के टुकड़े की तुलना में 3 गुना बाहर निकला था, अर्थात द्रव के बाहर निकली ऊंचाइयां घनत्व के विपरीत अनुपात में थी, यानी कि जिसका घनत्व ज़्यादा वह कम निकला था, जिसका घनत्व कम हुआ ज़्यादा निकला था। यानी कि अगर हम घनत्व और ऊंचाई के संबंधों को देखें तो घनत्व और ऊंचाई में जो संबंध है वह आपका व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि घनत्व बढ़ाने पर ऊंचाई घट जाती है और घनत्व कम करने पर ऊंचाई बढ़ जाती है, राइट। तो कैसा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। प्राट ने एक क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा को प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न बनता, पहला एक ये कि प्राट की संकल्पना क्या थी, या क्वेश्चन देता है अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का उत्तराखंड का पेपर देखा होगा तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि प्राट से रिलेटेड था कि किसने समान गहराई यानी घनत्व समान की बात की और गहराई में भिन्नता, तो ये आपका इसका उल्टा था। जबकि प्राट ने क्या माना कि भार समान है, यानी कि भार समान है, घनत्व में भिन्नता गहराई में भिन्नता को प्रदर्शित करती है। और लेवल ऑफ कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति तल की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा इसके नीचे घनत्व समान रहता है। तो क्या माना इन्होंने, जो लेवल ऑफ कंपेंसेशन प्राट ने माना, क्षतिपूर्ति तल माना, उसका मानना था कि जो क्षतिपूर्ति तल है इसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है लेकिन इसके नीचे घनत्व समान रहता है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ हो गया कि क्षतिपूर्ति तल के ऊपर किसने माना कि क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व समान और उसके नीचे, सॉरी, क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में अंतर और उस क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व में समानता पाई जाती है, किसका सिद्धांत रहा है, प्राट का रहा है। प्राट के अनुसार भू संतुलन की स्थिति समान गहराई तथा विभिन्न घनत्व वाली होती है। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट मिला कि भू संतुलन की स्थिति समान गहराई तथा विभिन्न घनत्व वाली होती है। अब आते हैं एयरी की संकल्पना पर। एयरी महोदय ये ब्रिटेन की प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी हैं और इन्होंने 1859 में तैरने का सिद्धांत दिया। जो आर्कमिडीज का सिद्धांत था उसी को आधार मानते हुए इन्होंने अपना विचार दिया। उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार आइसबर्ग के 9 भाग जल में डूबे रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आइसबर्ग होता है बर्फ टुकड़े होते हैं उसके लगभग 9 भाग जल में डूबे रहते हैं, 1/2 यानी कि लगभग 9/10 जो है आपका ऊपर रहता है और 1/9 नीचे रहता है। तो 9 भाग जल में डूबे रहते हैं और 1 भाग जो है बाहर निकला रहता है,
इसी प्रकार पर्वतकों के मुख्य भाग लचीले लावा में धंसे होते हैं, यानी कि जो लावा है वो आपका लचीला है, उसमें पर्वतों के जो मुख्य भाग होते हैं वो धंसे रहते हैं। इस अवस्था के बिना उच्च पर्वत कभी भी धरातल पर टिके न रहकर गहराई तक स्थित होते हैं। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी एक नींव, मजबूत नींव अगर आप दे रहे हैं तभी ऊपर की बिल्डिंग, जितना भी आप बनाते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, वो संतुलित अवस्था में रहेगी। वही बात यहाँ कही जा रही है एरी के अनुसार कि अगर तरल वो मैग्मा नहीं रहेगा या तो गहराई में वो टिक ही नहीं सकती, जो आपका उच्च पर्वत है या धरातल पर टिक ही नहीं रह सकता। इसके नीचे हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, उन्होंने समान घनत्व किंतु विभिन्न ऊंचाई वाले लोहे के टुकड़ों को पारे से भरे बेसिन में डुबोया। राइट, प्राट ने क्या बताया था कि भार समान है लेकिन घनत्व में भिन्नता है। एरी ने क्या बताया कि घनत्व समान है किंतु ऊंचाई में भिन्नता वाले लोहे के टुकड़े इन्होंने लिया और पारे के बेसिन में डुबोया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार विभिन्न गहराई तक डूबते गए, अधिक उभरा टुकड़ा अधिक गहराई तक तथा कम उभरा टुकड़ा कम गहराई पर धंसेगा। यही व्यवस्था स्थल खंडों के संदर्भ में भी लागू होती है। इस प्रकार एरी ने समान घनत्व व विभिन्न गहराई की परिकल्पना की और प्राट ने क्या किया कि इन्होंने समान गहराई और विभिन्न घनत्व की, ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होगा। प्राट ने क्या माना कि स्थिति में कि समान गहराई और घनत्व अलग अलग, एरी ने सेम उल्टा बोला, एरी ने बोला कि समान घनत्व और विभिन्न गहराई। राइट, तो अगर आप एक याद कर लीजिए, एरी का याद कर लीजिए समान घनत्व विभिन्न गहराई, प्राट अपने आप आ जाएंगे कि प्राट का क्या हो जाएगा, समान गहराई और विभिन्न घनत्व। प्राट की तुलना में एरी का मत अधिक सत्य एवं मान्य रहा है। तो प्राट ने पहले दिया था, जैसा कि आप जानते कोई भी सिद्धांत अचानक आता है, पहली बार आता है तो कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां रहती हैं, उसके बाद जो लोग उसमें संशोधन करते हैं तो थोड़ा सा वो परिमार्जित हो जाता है और सत्यता हो जाता है। तो जो प्राट की तुलना में एरी का मत रहा है कि विभिन्न जो गहराई और समान घनत्व एरी का मत है, तो इन्होंने ये माना कि इनकी कल्पना के अनुसार कोई भी भूखंड जितनी ऊँचाई रखता है उतनी उसकी गहराई तक वह स्थिर रहता है। इस आधार पर हिमालय की भूसतह से जितना ऊपर है, यानी 8,848 मीटर अगर ऊपर है तो उसका 9 गुना भाग लगभग 79,632 मीटर उसकी जड़ें द्रवित होंगी, जिस कारण से एरी के विचार भ्रामक लगते हैं, यानी कि इतनी गहराई पर पॉसिबल नहीं है। और बोबी ने इन दोनों के विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि एरी समान घनत्व और विभिन्न गहराई में, किंतु प्राट समान गहराई और विभिन्न घनत्व में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि अब यहाँ से देखते हैं आपको कि इम्पोर्टेंट क्या क्या रहा है। तो फर्स्ट इसमें एरी एंड प्राट का रहा है, जो जिन्होंने आइसोस्टेसी की हाइपोथेसिस दी। आइसोस्टेसी में फर्स्ट ये रहा आपका कि एरी और प्राट का, और आइसोस्टेसी जो वर्ड्स दिया वो डटन महोदय ने दिया। एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा, और सबसे जो वास्तविक इसकी व्याख्या की थी वो प्राट महोदय ने, जो भारत में गंगा और सिंधु के अक्षांशों के निर्धारण में उन्होंने कल्याणपुर और कल्याण नामक स्थानों के त्रिभुजीकरण और सखरौली विधियों के अक्षांशों के निर्धारण जो अंतर पाया उसी को उन्होंने आगे बताया। और 1889 में जेम्स डटन ने आइसोस्टेटी शब्द को दिया था। प्राट और एरी की बात करें तो एरी और प्राट की संकल्पनाओं में बस इतना अंतर है कि एक ने, यानी एरी ने ये माना कि घनत्व समान है और गहराई भिन्न है, लेकिन प्राट ने माना कि गहराई समान है, घनत्व अलग अलग है। इसीलिए इन्होंने जस्ता और प्लेटिनम के टुकड़े को लिया और पारे के बेसिन में डुबोया। किसने लिया? प्राट ने लिया। जबकि एरी ने क्या किया कि लोहे के टुकड़े को इन्होंने लिया, और ये लोहे के टुकड़े समान घनत्व वाले लेकिन ऊंचाई में भिन्न वाले थे, जबकि प्राट में जो प्लेटिनम और जस्ते के टुकड़े लिए उसमें उनका घनत्व जो है अलग अलग और भार उसमें समान थे। प्राट ने ये देखा कि जिसकी जो गहराई थी, सॉरी घनत्व ज़्यादा था, वो कम ऊंचाई पर ऊपर उठा था, और जिसका घनत्व कम था, जैसे आपका जस्ते का घनत्व लगभग 7 था, तो वह आपका
ऊपर उठा था और प्लेटिनम का घनत्व लगभग 21 था तो वह नीचे था। तो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए ड्रायर का थोड़ा सा ये इशू आ गया था, नहीं तो हम आपको ड्रा करके पूरा प्रॉपर दिखाते। और आप इसे लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको यही सब प्रश्न वहाँ पर दिख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और ये कि आपका क्षतिपूर्ति जो तल की अवधारणा है इसको भी ध्यान रखिएगा। यह प्राट की अवधारणा है क्षतिपूर्ति तल की, और इसके ऊपर इन्होंने यही माना कि घनत्व में अंतर पाया जाता है और इसके नीचे घनत्व में समानता रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।